हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 7, 7S और 7 प्रो के बारे में। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, भाई आप रेडमी नोट 7, 7S, 7 प्रो की वीडियोस बनाना भूल गए हो या फिर भाई फ़ोन ही बेच के खा गए हो। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आप देखो क्या है कि रेडमी नोट 7, 7S भाई पता नहीं क्या हो चुका है, या फिर 7 प्रो ही बोल लो, इन तीनों डिवाइस के अंदर भाई कोई अपडेट ही नहीं मिल रहा। अब भाई 3-4 महीने हो चुके हैं, या फिर 3 महीने तो हो गए होंगे अप्रोक्स, इनके अंदर कोई अपडेट नहीं मिला, स्टेबल अपडेट। तो वो बात तो चलो दूर रही, अपडेट मिल जाएगा आपको क्योंकि वो MIUI 12.5 पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं MIUI 12.5 के बारे में ही बताने आया हूँ कि भाई आपको MIUI 12.5 कब तक देखने मिल जाएगा। और ये जो तीन डिवाइस है, Redmi Note 7, 7S और 7 Pro, ठीक है, वैसे तो दो डिवाइस है पर नाम तीन है, तो इनका जो भाई बीटा जो अपडेट आता था उसको क्लोज कर दिया गया। अब कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा बीटा में। जो भी लोग Xiaomi.erom या फिर चाइना बीटा रोम को इंस्टॉल करते थे, या फिर कोई भी अलग MIUI मिक्स हो गया, हेलाइजन हो गया, या कोई भी अदर बीटा रोम को यूज़ करते थे, उनके अंदर भी अपडेट नहीं मिलेंगे। तो क्या चीज़ है, काफ़ी बैड न्यूज़ भी और एक दो अच्छी न्यूज़ भी सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो देखो गाइस, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है MIUI 12.5 का 21.4.21। ये बीटा अपडेट का, चाइना बीटा अपडेट का। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले। तो देखो गाइस, यहां पर आपको पता होगा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है Xiaomi ग्लोबल का। तो यहां पर जैसे Xiaomi ग्लोबल का कम्युनिटी ऑफिशियल है, और यहां पर जैसे MIUI 12.5 बीटा टेस्टिंग अनाउंसमेंट, ये जो चीज है भाई ये मैंने आपको काफी पहले बता दी थी सर, ये जनवरी फरवरी में आई थी, उसी टाइम ये मैंने आपको बता दिया था कि Redmi Note 7, 7S, 7 Pro को जो बीटा अपडेट्स मिलते हैं वो क्लोज हो जाएंगे 24 अप्रैल को। तो अभी 24 अप्रैल अभी 2-3 दिन पहले या 3-4 दिन पहले गया, 4 दिन पहले हो गया, और 4 दिन पहले फ्राइडे, क्योंकि हर फ्राइडे को एक अपडेट मिलता है, तो लास्ट अपडेट था Redmi Note 7, 7S और 7 Pro का। तो अब ये मान के चलो भाई बीटा का कोई अपडेट ही मिलेगा तो स्टेबल में क्या फीचर मिलेगा, क्योंकि बीटा अपडेट अब क्लोज है, अब कुछ नहीं मिलने वाला। स्टेबल में एक दो अपडेट आएगी MIUI 12.5 की, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो बीटा अपडेट क्लोज हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको एक नया डिवाइस खरीद लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो काफ़ी सारे लोगों ने Redmi Note 10 Pro Pro Max को लिया, तो मैंने इसका बूट लोडर अनलॉक, TDRP रिकवरी, बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर आने वाली है। तो आपसे भी मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास Redmi Note 7, 7S या 7 Pro है तो भाई आप ले लो दूसरा डिवाइस, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिलने वाले। MIUI 12.5 मैंने लेटेस्ट इंस्टॉल किया, इसके अंदर जो फीचर्स मिलेंगे वही आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, स्पॉन्सर रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, इन फ्यूचर आती रहेंगी, कभी भी बंद नहीं होने वाली। अगर आपको ये वाला कवर चाहिए या फिर कोई भी कवर स्किन वगैरह चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट जरूर से कर लेना। अब देखो यहाँ पर ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है बीटा का। अब देखो बीटा का जो अपडेट आया है ये है 21.4.21, ठीक है, यहाँ पर ये अपडेट है Redmi Note 7, 7S के लिए। और ये एक पहला इकलौता ऐसा डिवाइस है जिसमें सबसे पहले सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। देख सकते हो मई का सिक्योरिटी पैच, 2021 मई का सिक्योरिटी पैच इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि मई तक का सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो MIUI 12.5 वाले फीचर है वो अभी तक नहीं मिले हैं। देख सकते हो यहाँ पर कोई भी पावर मेन्यू आपको नया देखने को नहीं मिलता, वॉल्यूम बार भी वही है। तो इसका मतलब ये कि जब भी इंडिया में स्टेबल अपडेट आएगा तो भाई आपको ये फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा, जो फीचर मिलेगा MIUI 12.5 का पहला फीचर, उनका मेन मकसद यही था, जैसे कि ये जो भाई वेदर एप्लीकेशन है इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। वेदर एप्लीकेशन हो गया, और यहाँ पर शायद मे बी नोट एप्लीकेशन को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, ये फीचर है भाई MIUI 12.5 के। उन्होंने इसको बस ऑप्टिमाइज किया कि आपके जो सिस्टम एप्लीकेशन है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अनइंस्टॉल कर पाओ, उन्होंने और कुछ नहीं बताया था। और बाकी कुछ और फीचर्स की बात कर ले तो आपकी जो वॉलपेपर वाला ये आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पूरा UI चेंज देखने को मिलेगा, ये MIUI 12.5 के स्टेबल अपडेट में मिलेगा। और यहाँ पर ये जो आता है ये मिलेगा, और बाकी जो भी नए नए फीचर्स आएंगे वो मैं बता दूंगा। काफी सारे लोग बोलेंगे भाई आपने दिखाया था Redmi Note 7, 7 Pro के अंदर कि भाई पावर मेन्यू भी चीज है, वॉल्यूम बार भी चीज है, भाई वो Xiaomi.erom के अंदर होते हैं, वो एक चाइना बीटा रोम ही होती है, उसको भाई डेवलपर्स अलग तरीके से बना देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपको किसी को MIUI 12.5 यूज करना है तो बूट लोडर अनलॉक करो और उसको इंस्टॉल कर लो। तो देख लो भाई आपके सामने, भाई यहां पर मैंने सोचा था कि भाई लास्ट तक जो भी अप्रैल आएगा, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी शायद 1 महीने पहले, मैंने सोचा था कि अपडेट आ जाए, तो देख सकते हो कोई भी पावर मेन्यू नहीं आया, ना ही वॉल्यूम बार आया। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ज्यादा खास फीचर नहीं देखने को मिलने वाले MIUI 12.5 में। तो देखो अब मैंने आपको बता दिया भाई बीटा अपडेट्स नहीं आएंगे, जितने भी लोग बीटा रोम को यूज करते हैं, Xiaomi डॉट हो या कोई भी ऐसी रोम हो जिसमें हर हफ्ते अपडेट मिलते थे, तो अब आपका लास्ट अपडेट था, अब आपको मई में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे।
अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ भाई कुछ और ऐसी चीज़ की जो कि आपको पसंद आए। तो Xiaomi UI का एक ऑफिशियल यहाँ पर ग्रुप है जो कि थर्ड पार्टी है, ठीक, जो भी है भाई यहाँ पर आप देख लो। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर डिवाइस इन इंटरनल टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग, ठीक है, स्टेबल बीटा टेस्टिंग जो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब वो भाई जा चुके हैं एक तरह से, अब उन पर काम चालू है स्टेबल अपडेट का। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे डिवाइस नए नए ऐड किए, जैसे कि Mi 10T आ गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ, Redmi Note 7, 7 Pro और 7S भी यहीं पर आया था, क्योंकि Redmi Note 7, 7S दोनों एक है और यहाँ पर इन्होंने स्लैश करके Pro भी लिखा है। तो इन तीनों डिवाइस का जो स्टेबल टेस्टिंग है ना वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो सबसे पहले अपडेट मिलेगा चाइना को मिलेगा, उसके बाद इंडिया में मिलेगा, ये तो बड़ी खुशखबरी है कि चलो भाई स्टेबल अपडेट की टेस्टिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि बीटा में MIUI 12.5 मिल गया। तो MIUI 13 की उम्मीद मत कर रहे, मेरे को नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि यार अब ये नए नए डिवाइस पे फोकस कर रहे हैं और Redmi Note 8 के अंदर हो सकता है MIUI 13 लास्ट हो या फिर MIUI 12.5 लास्ट हो उसके अंदर, जो भी मैं बता दूंगा। देख लो भाई यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि स्टेबल जो बीटा स्टेबल टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है Redmi Note 7, 7S के लिए, और यहाँ पर Redmi Note 7, 7S का लास्ट अपडेट था, इसके बाद कोई अपडेट नहीं मिलेगा। जो जो फीचर मैंने अभी आपको दिखाया वही आपको स्टेबल अपडेट के अंदर देखने को मिलेंगे। यही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी कोई भी अलग इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो उसके ऊपर आपको जरूर से वीडियो मिल जाएगी। और मैं ट्राई कर रहा हूँ Redmi Note 7, 7S से रिलेटेड कस्टम रोम से रिलेटेड वीडियो और लाने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कस्टम रोम से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, ये दो चीज़ बतानी थी कि बीटा टेस्टिंग जो क्लोज हो चुकी है प्रॉपर, लास्ट अपडेट में जो था वो मैंने आपको दिखा दिया, कुछ खास नहीं था, कुछ नए फीचर नहीं थे, बाकी स्टेबल अपडेट आपको बहुत जल्द देखने में मिलेगा। सबसे पहले चाइना में मिलेगा, फिर उसके बाद ग्लोबल, फिर उसके बाद इंडिया। तो बस हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।